सस्ती गाड़ियाँ अगर चाहिए 2.5 के आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। 2012 मॉडल की एरा है, नई का फील मिलेगा। ग्रैंड आइटन मैग्ना, ये भी हमारी 2012 मॉडल की है। ऑल्टो 800 खड़ी है। मैंने अच्छी चीज बताई नहीं है आपको। क्या बताइए बताइए। मात्र 15,000 चली। इंजन की आवाज सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कमेंट में बिल्कुल लिखा कर, हमें भी पता चलता है कि कस्टमर हमारी क्या चीज चाह रहा है, क्या हमारे में कमी है, हमें भी पता होना चाहिए। ब्लॉग्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित शशांक। आप लोग के लिए जब परफेक्ट व्हील्स और परफेक्ट डील की बात हो तो हम हमेशा परफेक्ट व्हील्स को ही प्रेफर करेंगे। आप लोग आ सकते हैं यहां पर, छोटी गाड़ियां अगर बजट है तो देख रहे हैं, इधर i10 खड़ी है, इस साइड ऑल्टो खड़ी है, पीछे साइड बहुत सारा कलेक्शन है, अभी दिखाएंगे आपको। 2.5 लाख के आसपास अगर बजट है तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, करीब करीब 10 ऑप्शन यहाँ खड़े हुए हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं। 2.5 लाख अगर बजट है तो ले जा सकते हैं, सारी गाड़ियाँ दिखाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ के प्राउड ओनर को बुला लेते हैं, लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमें मोटिवेट किया वो डिस्प्ले पे, ये रहा। तो भैया वेलकम टू एएस व्लॉग्स, क्या हाल है? बस बढ़िया भाई। भाई बहुत उम्मीद कर रहे हैं हमारे बढ़िया बढ़िया कलेक्शन के लिए, और डेढ़ से मांग रहे हैं, बता दिया करो यार। 1.5 से 2.5 के बीच में मतलब इतने कलेक्शन, हालांकि हम लोग पीछे बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं, अब आपको बता रहे हैं 1.5 से 2.5 के बीच में कितने ऑप्शन होंगे हम लोग के पास? भाई करीब है हमारे पास 9 से 10 गाड़ियाँ। 9 से 10 इसी रेंज में? इसी रेंज में। आज मैक्सिमम गाड़ी शूट करेंगे, दिखाएंगे, बारिश होने जा रही है, जल्दी जल्दी फटाफट डिटेल लेते हैं। भैया इसकी क्या डिटेल है? भाई 2010 मॉडल ऑल्टो LXi, लखनऊ नंबर, ठीक है, फर्स्ट ओनर, बहुत बढ़िया। सबसे यूनिक चीज जो है वो है 19,000 चली, मात्र मात्र। कोई भी भाई चेक करा सकता है? बिल्कुल 100% चेक कराए, ठीक है 100% चेक कराएं। गाड़ी है ये 19,000 कह रहे हैं तो 19 ही होगी, बाकी आप लोग को कोई भी डाउट हो, परफेक्ट व्हील्स ने कभी रोका नहीं है और रोकेगा भी नहीं। आप लोग आइए, चेक कराइए, गाड़ी कोई भी लीजिए, आपका अधिकार है, चेक कराना बनता है। और फर्स्ट ओनरशिप है? फर्स्ट ओनर लखनऊ नंबर। लखनऊ नंबर जी, कहाँ से ढूंढ रहे भैया? ले आए। चलिए 2010 मॉडल 19,000 चली हुई, 19 कह रहे हैं, आप लोग चेक कराइएगा, जिसको भी जरा सा भी डाउट हो चेक करा ले, गाड़ी स्टार्ट करेंगे पता चल जाता है ना भैया, तुरंत पता चलता है गाड़ी स्टार्ट करने पे। ठीक है, अब ये पेट्रोल है? प्योर प्योर LPG CNG नहीं है? कुछ नहीं। बढ़िया से प्राइस बताइए। 1,65,000। 1,65, थोड़ा बहुत सम्मान हो जाएगा, हो जाएगा राजीव भैया, कभी किसी को निराश नहीं होने देते हैं। और बहुत दूर दूर से भाई आते हैं, मिर्जापुर, कहाँ कहाँ भैया हम लोगों ने दिया? भाई झांसी, गोरखपुर, नेपाल बॉर्डर, यहाँ तक बहुत सारे हैं, सीतापुर, ठीक है, आपके थ्रू बहुत सारी गाड़ियाँ हमारी तो गई हैं, आपके कस्टमर हैं, तो बहुत लोग आए हैं और बहुत सारे लोग आएंगे भी आगे भी। डील अपनी अच्छी अच्छी कोशिश कर रहे हैं रखने, और ये सब गाड़ियाँ देख रहे हैं, नई का फील मिलेगा, ऐसी गाड़ियाँ हैं, कभी कदार आप लोग पैसे से मतलब सुन के मतलब वो नहीं, आइए बार्गेन तो हो ही सकता है ना? बिल्कुल 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 हो सकता है। ठीक है, अब फटाफट इसकी डिटेल लेते हैं भैया। Hyundai की एक्सेंट 2014 मॉडल, ठीक है, और एस है, ये एस मॉडल है और डीजल पे है, लखनऊ नंबर, फर्स्ट ओनर, बहुत बढ़िया। ये चली हुई 82,000 ऑन रिकॉर्ड गाड़ी, डीजल है? डीजल है। क्या माइलेज भैया होता होगा इसका? भाई ये 20 के आसपास देती है। 1.2 है? 1.2। ठीक है, बढ़िया गाड़ी है, ग्रैंड आइटन वाला इंजन है, CRD पेट्रोल का मतलब अलग रिफाइनमेंट है, और Hyundai के डीजल भी स्टार्ट होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना कि गाड़ी स्टार्ट है। फर्स्ट ही ओनर? फर्स्ट ओनर। जेन्युइन चली हुई? बिल्कुल 82,000 चली हुई गाड़ी ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, गाड़ी ओवरऑल आप देख रहे हैं भैया, हल्का फुल्का एक दो पीस हमारा पेंट होता है भैया, वो कराना पड़ता है। ठीक है, करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर रोड पे ही चलते हैं, बम्पर्स अंदर उनके टचअप कराते हैं। ठीक है, ताकि आपको फील मिले कि आप लोग अच्छी गाड़ी एकदम शोरूम जैसी गाड़ी ले जा रहे हैं, देख रहे हैं लगा हुआ है सब कुछ, आपको बस आना है, फ्यूल डलाना है, और फ्यूल भी हम लोग जाने भर का दे देते हैं, है ना? जाने भर का तो नहीं देते, बट पेट्रोल टंकी तक जाने का देते हैं, पेट्रोल टंकी गलत कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मतलब आप 200-300 किलोमीटर नहीं, लेकिन हाँ आराम से थोड़ा बहुत चलेंगे ऐसे ही रहेगी, और बाकी डील पे डिपेंड करता है ना? जी बिल्कुल। ये क्या रेट में होगी? भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं 3,80,000। 3,80,000 2014 2.5 के बीच में बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाएंगे, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, फिलहाल जल्दी जल्दी आपको दिखा रहे हैं। कौन सी गाड़ी दिखाएं? ग्रैंड आइटम दिखा दें। ग्रैंड आइटम दिखाएंगे। ओके, बहुत ही बढ़िया गाड़ी ये भी लग रही है भैया, इसकी भी डिटेल हम लोग, आप इस साइड आइए, गाड़ी देखिए भैया, इसकी डिटेल दें। 2015 मॉडल, ठीक है, ग्रैंड आइटम मैग्ना। मैग्ना
लखनऊ नंबर पे है, फर्स्ट ओनर है, ठीक है, अराउंड ये चली हुई 68,000 के आसपास है। 68, एक बार पूरा प्रोफाइल आप उस साइड से देखिए, गाड़ी कैसी है, पेंट जो भैया हल्का फुल्का कुछ हुआ है? हाँ, इसमें हुआ है, इसमें हमने जो कराए हैं आगे पीछे के बम्पर करवाए हैं, ठीक है, और इसमें एक फेंडर हुआ है। फेंडर हुआ है जी। बाकी मतलब अपने यहाँ जो गाड़ी रहती है थोड़ा बहुत टचअप कराते हैं, एक्सीडेंटल, मीटर टेम्पर, ये सब तो नहीं? भैया इसी से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, बट ये दो चीज़ें जो ऐसी हैं वो नहीं, मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मीटर से और एक्सीडेंटल से। 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 महंगी पड़े, लेकिन जो चीज़ ले जाए गाड़ी, मैं अपने कस्टमर को यही कहना चाहता हूँ, वो लोग बिल्कुल ध्यान से दें, गाड़ी आप 10-20,000 महंगी ज़रूर खरीदें, बट सस्ती के चक्कर में आप कोई ख़राब चीज़ लेके ना चले जाएँ, क्योंकि लाख महंगी जरूर खरीदें, मैं बिल्कुल कहता हूँ। 2,00,000, 2.5 लाख, 3 लाख जब आप लगा रहे होते हैं तो 10-20,000 संकोच नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग के साथ ऐसे फील दिल्ली में हुए हैं, इसलिए हम लखनऊ की ही डीलरशिप दिखाते हैं और कहते भी हैं कि यहाँ की डीलरशिप थोड़ी सी टाइट, दिल्ली से कलकत्ता से कंपेयर करेंगे तो आपको महंगी लगेगी, लेकिन ये अलग फील देने वाली, ये कोई गली हुई गाड़ियाँ नहीं है ना जी। बिल्कुल। अब ये आपने फर्स्ट ओनर बताया जी, कितने की छोड़ देंगे ये गाड़ी? भाई 3,60,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूँ, छोड़ने वाले पैसे भी है, 3.5 की छूट जाएगी। 2015 मॉडल। 15। आइए इको स्पोर्ट पे आ जाते हैं, बहुत ही चमचमा रही है अभी, मतलब आप लोग को नहीं लेना है ना तो इस पे जाइए, अच्छा खासा पैसा बचेगा, और कितना बचेगा वो लास्ट में हम बता रहे हैं। फिलहाल भैया इसकी डिटेल शुरू कर दें। इको स्पोर्ट्स टाइटेनियम ऑप्शनल में फर्क मैं बता दूं अपने कस्टमरों को, इसमें पुश स्टार्ट और चेयर बैग का फर्क आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल में दो रहते हैं इसमें छह रहते हैं, नॉर्मल में दो रहते हैं इसमें छह रहते हैं, और गाड़ी ये चली हुई है 72,000, ठीक है, लखनऊ नंबर, फर्स्ट ओनर पे ये गाड़ी है, डीजल है। माइलेज इसका क्या होता होगा? ये भाई देती है सिटी में करीब, मान के चलिए 15 से 18 के बीच आराम से दे। बाकी आप लोग चलाएं चाहे जो, इतना माइलेज ये निकालेगी ही निकालेगी भाई, है ना? 18 तो अभी है करंट में, इनका मीटर जो है दिखाता है, ऑडोमीटर में दिखा रहा है कि 18 दे रही है। कितना मतलब ये चली हुई है अभी? ये 72,000 से। 72। इसका भी कुछ पेंट जॉब हल्का फुल्का? नहीं भाई, ये गाड़ी 99% ओरिजिनल पेंट पे है, ठीक है। आइए, गाड़ी आप लोग देख भी रहे होंगे, सामने से पता चल रहा होगा किस कंडीशन की गाड़ी है। इको स्पोर्ट है, 2016 मॉडल, ऑप्शनल है, टाइटेनियम। क्या डिमांड पड़ेगी आपको भाई? 5,90,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। 5,90,000, 2016 मॉडल, ऑप्शनल, 6 एयरबैग वाली, एकदम नई गाड़ी, 5,90 में मिल रही है, परफेक्ट व्हील्स में। पीछे देखेंगे, इसी जगह आपको आना है, पीछे साइड घूमिए और देखिए, परफेक्ट व्हील्स में है, बढ़िया बढ़िया कलेक्शन लगा हुआ है, और इस साइड BMW की भी क्वेरी है, तो अपने यहाँ कलेक्शन में अपडेट है, बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब ऑडी, BMW कुछ भी चाहिए मिल जाएगा, थोड़ा सा अगर नहीं भी होगी तो अवेलेबल करा देंगे, थोड़ा सा समय लेंगे। फिलहाल भैया हम 2.5 के बजट में आ जाएँ, पहले 2.5 के बजट में आ जाइए, इधर दिखा देते हैं। आइए, सस्ती गाड़ियाँ अगर चाहिए 2.5 के आसपास, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, देख रहे हैं आप, i10, अपने पिछली बार कहा भी था कि i10 बहुत सारी आ रही हैं, i10 आ गई हैं। ये i10 है हमारी 2012 मॉडल की एरा, ठीक है, लखनऊ नंबर, फर्स्ट ओनर, ठीक है, 46,000 चली हुई ऑन रिकॉर्ड गाड़ी, मात्र, ठीक है। दो पावर विंडो होंगे, पावर स्टेयरिंग होगी और एसी होगी इसमें, एसी होगी जी। कैसी होगी एसी भैया, ये भी बताइए जरा। गाड़ी की एसी बहुत अच्छी है, बढ़िया है की गाड़ी की, बिल्कुल अपने अभी कोई ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब पावर विंडो तो हो, एक चल रहा हो एक ना चल रहा हो, ऐसा नहीं नहीं भैया, गाड़ियाँ जो भी रहती हैं पूरी की पूरी हम लोग तैयार करते हैं, फिर यहाँ पे खड़ी होती हैं तैयार होकर, तब हम सेल आउट करते हैं, ठीक है, तब सेल आउट करते हैं। मतलब जो डील मिलेगी आपको परफेक्ट मिलेगी, परफेक्ट गाड़ी मिलेगी, किस दाम में मिलेगी? i10 एरा 2012 मॉडल, कितना? 2,45,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। 2,45,000, ठीक है, फर्स्ट ओनरशिप, फर्स्ट लखनऊ नंबर, फर्स्ट लखनऊ नंबर, ओके। आ जाते हैं भैया, K10 दिखाएं या 800 क्या दिखा दें? i10, दूसरी i10 दिखा देते हैं। आइए i10 दिखा देते हैं, तो अपने पास एक और i10 खड़ी है भैया जी। भाई क्या डिटेल है? ये भी हमारी 2012 मॉडल की एरा है, लखनऊ नंबर, फर्स्ट ओनर, ठीक है, और सबसे यूनिक चीज मात्र 32,000 चली हुई, ठीक है। आप एक बार इसका वॉक अराउंड लीजिए, और सबसे अच्छी चीज़ एक और बता दूं, 32,000 चलने के बाद भी ये गाड़ी CNG पे है। मतलब ये कंपनी फिटेड है? नहीं, कंपनी फिटेड नहीं है, बाहर से फिटमेंट है, पर जी सिक्वेंशियल है और बाहर से लगी हुई है, और 32,000 चली और CNG पे गाड़ी, ओके, 32,000 चली है और CNG पे है। बहुत सारे भाई हमारे CNG ढूंढ रहे थे, सारी गाड़ियाँ CNG के लिए, तो भाई ऐसी मारा मारी है, अब क्या बताएं, CNG मेरे पास 5 से 6 गाड़ियाँ थी, एक बची है,
ओके, सिर्फ सिंगल पीस ये बचा है आइटम। ठीक है, तो आपकी सारी सीएनजी गाड़ियां मैं सेल आउट कर चुका हूँ, आपको मैं बुला भी नहीं पाया, नहीं तो शुभ हम कराते, बट ये सिंगल गाड़ी आप भी बिजी रहते हो ज्यादा। अगर आपके पास मतलब सीएनजी का सोच रहे ना, फटाक से आएगा, इसका भी बयान है, मतलब समझ लिए तुरंत ही होगा। इस पे कस्टमर लगे हुए हैं 6-7, बट वही नेगोशिएशन पे डील फंसी हुई है। ठीक है, तो मतलब अगर आपको लेना है सीएनजी ना, तुरंत आके ले जाइए। और गाड़ी कैसी है भैया चलने में? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, एक अच्छी गाड़ी होती है ये, बहुत अच्छी है। ठीक है, सिर्फ 32,000 चली हुई है। ये भी 2.5 के आसपास दे देंगे? रेट बताइए। 2.65 डिमांड कर रहे हैं, पर कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, 2.5 के आसपास सीएनजी मिल रही है, और वो भी 2012 फर्स्ट ओनर, लखनऊ नंबर, लखनऊ नंबर। ठीक है, आइए एक और गाड़ी आपको दिखाते हैं, i10। ये नेक्स्ट गाड़ी हम आ गए एक और i10 पे, i10 पे, ये भी हमारी 2012 मॉडल की है। ठीक है, लखनऊ नंबर, फर्स्ट ओनर, और ये गाड़ी चली हुई है मात्र 38,000। कुछ पेंट जॉब? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरी ओरिजिनल लग भी रही है गाड़ी, एकदम चमचमा रही है। एक बार अंदर से सिनेमैटिक तो हम दिखाते ही हैं, जाइए एक बार गेट खोल के उस साइड से दिखाइए कैसी है। सीट कवर भैया बिल्कुल अभी मतलब फ्रेश रखे हैं, बिल्कुल फ्रेश, पड़वाया तो है नहीं ये? नहीं, कस्टमर के ही है ये, कस्टमर से हमने गाड़ी जैसी ली है, बिल्कुल उसी कंडीशन पे है ये, मतलब परिवार बन के लग रहा ले आए हैं। हाँ, क्योंकि गाड़ी जिस तरह लग रहा फैमिली मेंबर थी उस घर की गाड़ी, ऐसी गाड़ी है, बिल्कुल ही मिंट कंडीशन जिसे कहते हैं वो गाड़ी है। 2012 आपने बताया, 2012 की मैग्ना है ये, मैग्ना है, मैग्ना है। चारों पावर विंडो होंगे? चारों पावर विंडो है। फर्स्ट ओनरशिप? फर्स्ट ओनर, लखनऊ ही नंबर जी। कितने में ये गाड़ी हम लोग छोड़ेंगे भाई? इसकी डिमांड कर रहे हैं 2,50,000। अब देखिए 2.5 के अंदर कहाँ है ना, तो 2.5 के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ, जो भी अगर i10 के आसपास या वैगनार भी इस रेंज में हम लोग के पास बहुत सारी रहती हैं। वैगनार अभी नहीं है, वैगनार जितनी थी लगभग सेल आउट हो गई है जी। ठीक है, अभी ये भी आई, ये ना सोचिए ये रुकी हुई गाड़ियाँ, अभी स्टॉक में है, 4 दिन पहले आई है हमारे पास। ठीक है, गाड़ी सारी तैयार होने गई थी, भैया से पिछले हफ्ते बात हुई थी, तो कह रहे थे सारी i10 जब आ रही है तब आपको बढ़िया सा स्टॉक दिखाएंगे। अपने यहाँ भैया कोई भी आए, किसी को भी मैकेनिक लाना हो, कुछ भी लाना हो, बिल्कुल मैं कहता हूँ भाई मैकेनिक लेके आए, गाड़ी चेक कराएं आप, गाड़ी नंबर हमारा शो रहता है, हम गाड़ियां आपको दिखाते हैं, तो गाड़ी नंबर आपको दिखाई देता है, आप जाएं चेक कराएं, उसके बाद आएं। ठीक है, उसके बाद आएं, बहुत सारे लोग आते हैं। चलिए अब आपको गाड़ियां दिखाते हैं, आइए नेक्स्ट गाड़ी एक और खड़ी हुई है हमारे पास भैया, कौन सी दिखाई? के टेन फिर इस पर आते हैं, बस हो गई। ठीक है, K10 पे आ जाते हैं, बहुत सारे लोग K10 चाह रहे हैं, और बिल्कुल नई जैसी खड़ी है भाई, नई गाड़ी मतलब मान के चलिए, गाड़ी है 2014 की VXI, शोरूम से तो नहीं लिया है कह सकते हैं। गाड़ी आप लोग देख ही रहे हैं कैसी है, ओनरशिप भैया क्या है? बस गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, मतलब मैंने अच्छी चीज़ बताई नहीं है आपको, क्या बताइए? मात्र 15,000 चली हुई, मात्र 15,000 चली हुई, लीजिए 15,000 चली हुई, मतलब शोरूम वाला फील बिल्कुल ही मिलेगा। एक बार इसका भी वॉक अराउंड लीजिए, गाड़ी आपको पता है सिनेमैटिक में तो दिखाते ही हैं, गाड़ी कैसी है? 15,000 चली हुई है। 2000 कौन सा है? 14 मॉडल, 14 है, 14 की VXI है ये, VXI है, पावर विंडो होंगे? पावर विंडो होंगे। ओके, प्योर पेट्रोल है ये? प्योर पेट्रोल पे है ये। इसका माइलेज भैया क्या होता होगा? भाई ये देती है आपकी मान के चलिए 17-18 तो आराम से देती है। ये भी वही इंजन है वैगनार वाला? के सीरीज वाला इंजन वही। ठीक है, अभी वाला वैगनार तो 1.2 हो गया, लेकिन ये पुरानी वैगनार करंट में जो पहले इंजन चल रहा था वैगनार में, ऑल्टो में, इन सब में के सीरीज का ही 1000 cc का इंजन आ रहा था। ठीक है, अच्छी गाड़ी है, कुछ पेंट जॉब इसमें हुआ? नहीं भाई, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। अब आप लोग देख भी रहे होंगे बिल्कुल ही स्क्रैचलेस कंडीशन में खड़ी है, हमें लगता है खड़ी रही जिनकी गाड़ी थी, जिनके पास थी भाई खड़ी रही है। ओके, चलाई नहीं है उन्होंने, बस शौक के लिए ले ली थी, चलाई नहीं है। ठीक है, चलाई नहीं है, K10 खड़ी हुई है, फर्स्ट ओनर, VXI 2014, डिमांड बताइए? डिमांड भाई इसकी है 2,65,000। 2,65 में लीजिए एक और गाड़ी, वो भी बिल्कुल फ्रेश, 15,000 चली, 15,000 चली। आइए एक और ऑप्शन अपने पास खड़ा हुआ है, ऑल्टो 800 भी है? जी भाई, ऑल्टो 800 LXI। बहुत सारे लोग इसके दीवाने हैं, ऑल्टो 800 खड़ी है, फर्स्ट ओनरशिप? फर्स्ट ओनर, 2015 मॉडल, 15 मॉडल। ठीक है, LXI है ये। ये कितना चली होगी? ये चली है 58,000। 58 ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड। मैं बहुत वजन इस बातों पे देता हूँ और इसी पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जेन्युइन चीज़ दूँ, जेन्युइन मीटर की दूँ, फर्स्ट ओनर दूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ फर्स्ट ओनर। बहुत सारे हमारे आउटर के भाई से मैं जोड़ना चाह रहा हूँ भाई थोड़ा सा कि ओनरशिप नहीं देखते हैं आप, ओनरशिप देखें। ठीक है, ओनरशिप से प्राइस का बहुत डिफरेंस होता है, और गाड़ी दो हाथों में चलना और एक हाथ में चलना बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। इसीलिए मैंने अभी तक जितनी गाड़ी आपको दिखाई है कोई भी सेकंड ओनर नहीं दिखाई है, सारी फर्स्ट ओनर दिखाई। 50,000 तो हमको लगता है ओनरशिप पे ही आ जाता है, बहुत बड़ा फर्क होता है, छोटी गाड़ियों में 50,000 का 60,000 का फर्क है, बड़ी गाड़ियों पे 1,50,000 2,00,000 का फर्क है। अब यही गाड़ी अगर सेकंड ओनर या थर्ड होती तो 75 के आसपास आपको मिल जाती, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो टेस्ट ना मिलता जो फर्स्ट ओनर पे है ना, 1,50,000 आप लगाएंगे और वो टेस्ट भी नहीं मिलेगा तो फिर सब बेकार है ना, बिल्कुल भाई। अब ये 2015 है, 2015 फर्स्ट ओनर, सिर्फ फर्स्ट ओनर है, 58 चली हुई, 58 चली।
VXI LXI क्या है? LXI पावर विंडो होंगे इसमें? पावर विंडो इसमें दो मिलेंगे आपको, दो मिलेंगे जी। इसके बीच फटाफट एक बार प्रोफाइल देख लीजिए भैया, 32 ही नंबर अपने पास ज़्यादातर हैं। हाँ भाई, सारी मैंने 32 ही दिखाई है, ज़्यादातर क्या 32 ही रखते हैं भाई, सिर्फ 32 रखते हैं, लखनऊ में बैठे हैं और हमारा डिमांड भी सबसे ज्यादा 32 की भाई, 32 की है, हम पूरे यूपी में 32 ही बेचते हैं और कोई गाड़ी मांगता ही नहीं है कस्टमर। ठीक है, कोई गाड़ी मांगता नहीं है, 32 है। फर्स्ट ओनरशिप 2015 की ऑल्टो LXI किस दाम में भैया हम लोग दे देंगे? 2,55,000 भाई इसकी डिमांड कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ढाई के अंदर कितनी गाड़ी हम लोग ने दिखा दी, लगभग ये 7-8 गाड़ी तो दिखाई दी है। हाँ, 7 से 8 गाड़ियाँ दिखाई है। आइए एक डिजायर भी हम लोग दिखा दें। डिजायर, हाँ डिजायर भी एक हमारे पास खड़ी है। ओके आइए, डिज़ायर भैया भूल गए थे, हमने कहा कवर कर लें क्योंकि हमारे भाई बहुत सारे मिस करते हैं स्विफ्ट और डिज़ायर को। स्विफ्ट अपने पास सारी बिक गई है ना भैया? जी स्विफ्ट सारी बिक गई। ठीक है भाई। आप इस साइड जाइए, प्रोफाइल देखिए, सारी स्विफ्ट बिक गई हैं और डिज़ायर एकमात्र खड़ी भैया? हाँ जी, नहीं दो है, एक दो हमारे पास 17 मॉडल की भी है और ये वाली जो हम अभी दिखा रहे हैं ये 13 मॉडल की है। ठीक है, तो जिसका कम बजट में डिज़ायर लेने का सपना है ले जाइएगा और अभी बताएंगे कितने में डील है, गाड़ी की आप कंडीशन देख रहे हैं कैसी है। फर्स्ट ओनर से मैं कहूंगा भाई को कि एक बार गाड़ी दिखाएं आप, गाड़ी एक बार देखें हमारे, एक बार गाड़ी देखिए, गाड़ी जरूर दिखाएं, गाड़ी आप लोग देखिए और एक बार आके देखिए। वीडियो में देखने से कोई मतलब नहीं, जब तक आप एक बार फील नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे गाड़ी को, गाड़ी का पेंट एक बार हाथ लगाते हैं ना तो बदल जाता है पेंट दोबारा हुआ है कि नहीं, है ना? बिल्कुल भाई। ठीक है, जरा भी एक्सपीरियंस है ना तो आप आइए, गाड़ी देखेंगे, पता चल जाएगा किस कार बाजार में कहां पर कैसी गाड़ियां हैं ना। जी बिल्कुल, और आप लोग इतना देखते हैं पसंद करते हैं, हम फिलहाल कोशिश करते हैं कि ऐसे ही कार बाजार प्रेफर करें जहाँ पर गाड़ियाँ ओके मिले, अच्छी मिले, इसीलिए परफेक्ट डील्स मतलब टॉप ऑफ द लाइन रहता है हमारे मतलब उसमें। फिलहाल भैया इसकी क्या डिटेल है? 2013 डिज़ायर LDI। LDI हाँ, ये डिज़ायर का बेस मॉडल है। ठीक है, और लखनऊ नंबर, फर्स्ट ओनर, कितना चली ये है? चली हुई है आपकी भाई 68,000। 68 नहीं, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, सॉरी 58,000। 58 चली है। ठीक है, 58 चली है गाड़ी की। आप लोग कंडीशन भी देख रहे हैं, LDI है, पावर विंडो नहीं होगा, पावर विंडो नहीं, लेकिन अगर आप 8-10 हज़ार रुपये खर्चा करेंगे नहीं, तो नहीं भाई ज़्यादा हो गया मान के चलिए 4 से 5 हज़ार। चार से पाँच हज़ार। ठीक है, आराम से पावर विंडो दो तो इंस्टॉल हो ही जाएंगे, चार चाहें तो 4 इंस्टॉल कर लें और बहुत मिनिमल कॉस्ट रहता है पावर विंडो का और कामयाब है स्विफ्ट में, सब कुछ कामयाब है क्योंकि मतलब मारुति के सारे प्रोडक्ट इतने इजीली मिल जाते हैं इसीलिए सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। फर्स्ट ओनरशिप भैया बताया आपने, कितने में ये गाड़ी देंगे हम लोग? भाई इसकी डिमांड हम लोग कर रहे हैं 3,60,000। 3,60 में डिज़ायर? डिज़ायर 2013 मॉडल। 13 मॉडल जी, कंपेयर कर लीजिएगा आप लोग भी, पता चलेगा गाड़ियाँ कैसी है। ओल्ड शेप जरूर है, इंजन से एक बार भी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या आज? हाँ बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग चाबी मंगवाते हैं, आइए चलते हैं, जरा चाबी मंगवाते हैं और गाड़ी आज आपको पता चले ना कि गाड़ियाँ कैसी हैं, एक बार खोलेंगे दिखाएंगे। इस बीच कोशिश भी कर रहे हैं कि गाड़ियाँ जो दिखाते हैं कभी कभार आपको स्टार्ट करके सेल्फ लगवा के दिखवाएं, आवाज सुनवाएं, आपको पता चले। मैं आपको खुद दिखवा रहा हूं इसीलिए स्टार्ट करके गाड़ी आप। ठीक है, डिज़ायर LDI है, एक बार डिज़ायर को स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार फिर इंजन की आवाज़ सुनिएगा, माइक पास में ले जाएंगे, आपको पता चलेगा गाड़ी कैसी है। आप गाड़ी देख रहे हैं आप लोग भैया, इसका बोनेट भी ओपन करेंगे, ये देखिए ओपन किया, एक बार भैया एक्सीलरेट करें। बिल्कुल मैं करता हूँ भैया, सब कुछ कर रहे हैं। देखिए अब आप लोग देखिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, आवाज़ हम इससे सुना रहे हैं, करिए बहुत बढ़िया। अब गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, पता चल रहा होगा आपको गाड़ी कैसी है। फर्स्ट ओनरशिप डिज़ायर है, 3,60,000 भी है ना जी? 3,60,000। ठीक है, ये हो गई सारी गाड़ियों की डिटेल, ऐसी सारी गाड़ियाँ। आप सारी तो स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग आइए, बाकी आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग आइए यहाँ पर फील करिए, स्टार्ट करिए, चलाइए और आप भी कमेंट में राय रख सकते हैं कि गाड़ी हमको कैसी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कमेंट में बिल्कुल लिखा करें, हमें भी पता चलता है कि कस्टमर हमारी क्या चीज़ चाह रहा है, क्या हमारे में कमी है, हमें भी पता होना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, अपना रिव्यू भी जो भाई ले जा चुके हैं वो रिव्यू डालें कि परफेक्ट वेज में उन्हें कैसे असिस्ट किया गया, राजीव भैया ने कैसे असिस्ट किया या अभिषेक जी ने कैसे असिस्ट किया और कैसी डील दी, आप लोग रिव्यू डाल सकते हैं। भैया हम लोग फटाफट बताएं, परफेक्ट वेज में कोई आना चाहता है 3,60,000 नहीं है जी, उसके पास 2.5 लाख है या 1.5 लाख है, डिज़ायर ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है, 13 मॉडल गाड़ी है, फाइनेंस हम करवा देंगे। ठीक है, एक साल के लिए होगी या दो साल? नहीं, 2 साल के लिए हो जाएगी। हो जाएगी, 2 साल के लिए हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग शुरू कर देते हैं भैया, फाइनेंस हम लोग कहाँ कहाँ के लिए अवेलेबल है? फाइनेंस तो बॉस ऑल इंडिया अवेलेबल, बट वही है आपके पास पेपर्स पूरे होने चाहिए, पेपर्स में इन द सेंस आप अगर खेती करते हैं तो खतौनी के लिए ज़रूरत है। ठीक है, और बिजनेसमैन है तो ITR की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया, और जॉब में है तो सैलरी चाहिए होगी। सैलरी
मतलब सैलरीड अगर पर्सन है तो कोशिश करिए, अगर 25,000 की सैलरी है तो इजीली हो जाएगा, है ना, कम से कम। हाँ, इजीली, कम से कम पेपर लगते हैं और इजीली हो जाता है। और उसके बाद फिर हम जाते हैं भाई, आप कुछ नहीं करते, उसके लिए भी ऑप्शन है। हाँ, वो ऑप्शन है। हम ये ऑप्शन लखनऊ वालों के लिए दे रहे हैं सिर्फ, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके घर अपना होना चाहिए लखनऊ में, तो हम कोशिश करते हैं कि लोन करवा दें, बट लोन अमाउंट कम होता है, बट लोन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको सहूलियत मिल रही है कि अगर आपके पास कोई नहीं है, बस कार का आपका सपना है, तो कार परफेक्ट व्हील्स आपको देगा, है ना। आप अपनी प्रोफाइल लगाइए, घर के कागज लगाइए, आराम से हो जाएगा। अभी दयाराम ने पूरा ऑल इंडिया बताया, बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ऑल इंडिया वेलकम है ना। बिल्कुल। मिनिमम क्या डाउन पेमेंट होगा भैया, अगर मान लीजिए 2 लाख? देखिए, वैसे ज़्यादातर गाड़ियों को तो हम लोग 25% पे करा लेते हैं, आपकी डाउन पेमेंट 25% की रहती है, ठीक है। बट कुछ केसेस में होता है कि आपको डाउन पेमेंट बढ़ानी पड़ती है, हो सकता है कभी कभी कम भी करनी पड़ती है, ठीक है। कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी हमने 360 की बेची तो हम 360 भी फाइनेंस करा देते हैं। ओके, मतलब बट गाड़ी के ऊपर वेरी करता है, गाड़ी कैसी है, आपकी प्रोफाइल क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। मतलब अगर K10 किसी का सपना है तो 70 से 80 हज़ार या 1 लाख दे के ले जा आराम से भाई, 50,000 मुझे दे और मैं फाइनेंस करवा दूंगा ये गाड़ी, ठीक है। 50,000 दे के K10 ले जा सकते हैं, इवन i10, ऑल्टो सब ले जा सकते हैं। i10 जो हमने दिखवाई है भाई, i10 में तो हमारी गाड़ियाँ जो 12 मॉडल की हैं वो तो फाइनेंस नहीं होंगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी एक साल के लिए, ठीक है, एक साल के लिए हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो गाड़ी हमारी 14 मॉडल की K10 दिखाई आपको मैंने, 15 मॉडल की ऑल्टो दिखाई है, ये सब 3 साल 5 साल के लिए हो जाएगी। ग्रैंड आइटन दिखाई थी वो भी 5 साल के लिए हो जाएगी, एक्सेंट थी वो भी 5 साल के लिए हो जाएगी। तो ये सारी गाड़ियाँ फाइनेंस के लिए अवेलेबल है। भैया फटाफट से हम बताएं किस जगह हम खड़े हुए हैं, कोई भाई आना चाहे तो किस समय आए। हम लोग भाई अभी खड़े हैं लखनऊ डालीगंज क्रॉसिंग पे खड़े हैं, ठीक है, और डालीगंज क्रॉसिंग पे ये लगता है त्रिवेणी नगर मौसम बाग, ठीक है। और हम आपको इसमें नियरेस्ट जो बता देते हैं, आपको जो आना है ICICI बैंक के अपोजिट, ठीक है, और TVS टू व्हीलर का शोरूम है उसके जस्ट बगल में जी। ओके, और ये चीज़ें आप करके डालीगंज क्रॉसिंग सीतापुर, एक्चुअली ये लगती जो लोकेशन है सीतापुर हाईवे, ठीक है, तो डालीगंज क्रॉसिंग आप मतलब डालेंगे ना इंटरनेट पे आपको यहीं छोड़ देगा, बिल्कुल परफेक्टली के आसपास। अब बढ़िया कॉल टाइमिंग भैया बताइए किस समय हमारा भाई कॉल करे। तो भाई वही मैं कहूँगा, मानते नहीं हैं पर हमारे भाई लोग, बट मान के चलिए 10 से 10 तक आप लोग कर ले, 10 से 10 तक कर ले। 8 तक था, मैं 2 घंटा बढ़ा रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, तो 10 से 10 आप कर सकते हैं। चलिए 10 से 8 के बजाय 10 से 10 आ गए हैं आप लोग के लिए, मतलब बढ़ा रहे हैं अपने, जितना कोशिश मेहनत कर पाएंगे करेंगे और आपको गाड़ी देंगे। बिल्कुल भाई, ठीक है, ये हो गई डिटेल। भैया मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया से दमदार कलेक्शन के साथ। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।